हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे लड़की का फ़ोटो कैसे लगाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे लड़की का फ़ोटो या अपना फ़ोटो या किसी का भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 2024 का बिल्कुल न्यू प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे किसी का भी फ़ोटो या अपना फ़ोटो या अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि अभी आपको लाइव दिख रहा होगा कि मैंने भी अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोटो को लगा रखा हूँ। तो दोस्तों आप कैसे लगाएंगे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप में आपको कौन सी ऐसी सेटिंग करनी होगी वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, उनके लिए सबसे पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए इस बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक कैसा रहा है, आप लोग कहाँ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों उनके लिए क्या करना है, इस तरीके से मैं बैक चले जाता हूँ। इस तरीके से बैक जाने के बाद अभी मैं अपने व्हाट्सएप को नॉर्मल कर लिया हूँ जैसे पहले था। तो उनके लिए क्या करते हैं, फिर से दोस्तों अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है ना। जैसा कि मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया हूँ, ओपन करने के बाद अभी मैंने अपने व्हाट्सएप को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया हूँ जैसे पहले होता था उसी तरीके से। अभी आप लोगों को क्या करना है, जो व्हाट्सएप के अंदर जो सेटिंग करना है वो आपको ध्यान से देखना है। तो उनके लिए व्हाट्सएप ओपन करने के बाद साइड कोने में इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा सेटिंग्स, है ना। तो आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों आपको चौथे नंबर में आपको दिख रहा होगा चैट्स, जैसे चैट्स लिखा हुआ आ रहा है ना, तो आपको उसी चैट्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को ऊपर में लिखा आ रहा है दोस्तों थेम्स, है ना, आपको थेम्स के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप थेम के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको लाइट मोड में होगा ना, तो इसे आपको डार्क मोड के ऊपर क्लिक कर देना, यानी कि डार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डार्क के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है कि आपका व्हाट्सअप डार्क मोड में हो गया। अब आप जो है किसी का भी फ़ोटो लगाइएगा व्हाट्सअप के होम स्क्रीन पे तो वो अच्छे से दिखेगा, क्लियर दिखेगा, वह आप हो या आपके गर्लफ्रेंड हो या किसी का भी फ़ोटो है। तो उनके लिए अब इतना काम करने के बाद आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर ऐप को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको वही एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो यहाँ आपको डिजाइनर टूल्स प्रो, यानी कि इस एप्लीकेशन का नाम है डिजाइनर टूल्स प्रो, आपको ध्यान से देख लेना है। लोगो देख लीजिए, इनका नाम देख लीजिए, आप लोगों को इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका डाउनलोडर 1 मिलियन प्लस है। और यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आपको दोबारा से वीडियो देखना ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ मेन सेटिंग क्या करना है ये आपको देखना है। तो सबसे नीचे लास्ट में दिख रहा होगा दोस्तों मॉकअप अवरेली के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप लोगों को दो, मतलब एक रोटेट वाला दिख रहा होगा स्क्रीन फ्रेम और एक सिंगल वाला लम दिख रहा होगा, मतलब सीधा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इनके ऊपर क्लिक करना होगा। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको जो भी परमिशन मांग रहा है इसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाता है। आपके गैलरी में जितने भी फ़ोटोज़ होंगे सारा का सारा दिख जाएगा। वो आपका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या दोस्त यार कोई भी हो,
वो सभी फ़ोटोज़ आ जाएंगे। अपने उसी फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा जिसे आप लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पे। अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर में जो है ना, इसे आपको 100 कर देना है। ये आपको कम होगा तो इसे पूरा 100 कर देना, यानी कि 100 कर देना है। इतना काम करने के बाद अभी इसे भी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 100 कर देना है। सॉरी, इसे नहीं करना यार, इसे आपको क्या करना है, देखिए इसे 100 कर दिया। अभी हम लोग बैक चलते हैं ना, देखिए अभी हम लोग बैक चले आए हैं। अब यहाँ पर आपको मोकअप ओवरली के ऊपर इसी के आपको इनेबल करना होगा, फिर से आपको परमिशन आता है अलाउ कर देना है। तो इतना काम करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन को इनेबल करने के लिए। आपको अपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, जो डिज़ाइनर टूल प्रो को ऊपर क्लिक करने के बाद इसे आप लोगों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अभी आप लोगों को बैक चले आना है। बैक आने के बाद ये अभी ऑफ होगा ना, तो इसे आपको ऑन कर देना। इतना काम करने के बाद अब आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा ये कम होगा तो इसे पूरा हाई कर देना, यानी कि दोस्तों 100 कर देना है। 100 करने के बाद ये क्या है दोस्तों, आप लोग अपने फ़ोटो को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे छोटा बड़ा जो करना चाहते हैं। अगर आपका फ़ोटो लग रहा है कि ऊपर से खिसका हुआ है, नीचे से खिसका हुआ है, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये भी है दोस्तों, आप लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका फ़ोटो ऐसे दिख रहा है तो आप इसे लेफ्ट कीजिए, इस तरीके से राइट कीजिए, आपको बीच में अच्छे तरीके से ऐसे करके रख लेना है। इतना काम करने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस तरीके से बैक चले आते हैं। बैक आने के बाद आपका सारा सेटिंग प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में व्हाट्सअप ऐप को ओपन करते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मैंने अपने व्हाट्सअप एप्लीकेशन को जब ओपन किया तो हमारे व्हाट्सअप के होम स्क्रीन पे जो हमारा गर्लफ्रेंड का फ़ोटो है ये लग चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, कितना औसम लग रहा है यार। कोई भी देखेगा हमारे व्हाट्सअप के होम स्क्रीन ना, तो ये ज़रूर पूछेगा कि ये कैसे किया यार, मेरे को भी बताओ ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी ये ट्रिक नहीं जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसा एक तरीका बताया हूँ जो इस तरीके को यूज करके आप भी व्हाट्सअप के होम स्क्रीन पे अपना फ़ोटो या अपने गर्लफ्रेंड या किसी का भी फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं। तो दोस्तों कितना ओसम लग रहा है, आप लोग किसी को चैट वगैरह कीजिएगा यार, बहुत ही शानदार लग रहा है। लाइव प्रूफ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।